इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका के दो चेहरे देख रही है, एक दोस्त वाला और एक दुश्मन वाला। दोस्ती भारत के साथ जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है, और दुश्मनी चीन के साथ जिसकी तपिश पूरी दुनिया को महसूस हो रही है। चीन और अमेरिका के बीच अब तकरार काफी हद तक बढ़ चुकी है। चीन ने दावा किया है कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी काउंसुलेट को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद चीन की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई है। इस फैसले के तुरंत बाद अब चीनी मीडिया भी अमेरिका पर आक्रामक हो गई है। चीनी मीडिया वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर पर एक पोल चलाया है, जिसमें लोगों से पूछा कि चीन में मौजूद अमेरिका के किस कॉन्सुलेट को सबसे पहले बंद किया जाए। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट को बंद करने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से अपनी गलती सुधारने को कहा है, वरना चीन भी कड़ा एक्शन लेने को तैयार है। इसी के साथ पोल में सवाल पूछा गया है कि चीन में कौन सा कॉन्सुलेट जनरल बंद होना चाहिए। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, हांगकांग, मकाओ, ग्वांगझू, चेंगदू या कोई और। पोल को 48 घंटे के लिए चालू किया गया ताकि अधिक लोग वोट दे सके। अमेरिका ने जब चीन को ह्यूस्टन का काउंसुलेट जनरल बंद करने का आदेश दिया तो तुरंत अमेरिकी पुलिस वहां पर पहुंच गई। इस दौरान कुछ वीडियो सामने आए जहां काउंसुलेट के अंदर कागज जलाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए होता है। साफ है कि दोनों देशों के बीच पहले ही कोल्ड वॉर चल रही थी, फिर ट्रेड वॉर चली और अब कोरोना संकट के बाद एक बार फिर तल्खी बढ़ गई है। हाल ही में साउथ चाइना सी में भी दोनों देश आमने सामने आए और भारत के साथ युद्धाभ्यास में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत तक को भेज दिया, जो साफ साफ चीन को चेतावनी मानी जा रही थी। एक तरफ चीन से अमेरिका की तल्खी है, जिसमें कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, तो दूसरी तरफ है भारत, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बात बात पर भारत से अपनी दोस्ती को मजबूती देने की बात कर रहे हैं और भारत को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।